Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our coupling organization to Yog Vashisht Mahaning session. Namaste, main Someshwar, aap sabhi ka our coupling sanstha ki taraf se Yog Vashisht ke subah ke satra mein swagat karta hu. Roj ki tarah aaj ke satra ki bhi shuruaat hum log teen baar omkar ka uchcharan karke karenge. We'll continue our session by chanting om three times. Today we are on 128th session. Aaj hum log 128ve satra mein yahan pe pahunch chuke hain. आज का अपना विषय रहेगा कि हम लोग गुरुदेव ने सिखाए हुए पद्म साधना, क्रिया, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स यूज करके अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यह प्रैक्टिस करते समय कुछ लोगों को प्रैक्टिस जल्दी फलीभूत हो जाती है, कुछ लोगों को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसको फलीभूत होने के लिए थोड़ा समय लगता है। यह अंतर क्यों? तो क्या जिनके लिए यह प्रैक्टिस बहुत जल्दी फलीभूत हो जाती है, क्या उनका करने का तरीका अलग होता है या करते समय उनकी वो उसके पीछे सोच अलग होती है? क्या होता है ऐसा कि किसी को तुरंत ध्यान लग जाता है, किसी को नहीं लगता? ऐसा क्यों होता होगा, उसके पीछे क्या रीजन होगी? और ऐसा अगर है तो उसको उपाय, सहज समाधि का कोर्स तो कर लिया लेकिन ध्यान करते तो ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान लगने की क्वालिटी कैसे एनहांस की जाए? क्या है जो हमें रोकता है ये सब कुछ करने के लिए? इसके ऊपर तो हमने एक ऑब्स्टेकल्स के ऊपर एक सत्र भी पूरा लिया था, लेकिन आज उसको देखेंगे कि इसके सारे उपाय क्या है। उपाय देखते समय हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको आज देखेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे भक्ति कहाँ पे पिक्चर में आती है, यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र कहाँ पे पिक्चर में आता है, यहाँ पे योग वशिष्ठ कहाँ पे पिक्चर में आता है, यहाँ पे गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं, आपके आपका अनुभव क्या है, वो भी आप अपनी क्वालिटी ऑफ साधना जो होती है और जो स्वाध्याय होता है उसको बढ़ाने के लिए आपका क्या पर्सनल अनुभव है, ये भी आप जरूर सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो वी लुक इट फ्रॉम द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, कि कैसे अपनी साधना और स्वाध्याय का महत्व अपने जीवन में बढ़ाए। अच्छा, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा यह सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पे साधना, सिर्फ योगा प्राणायाम मेडिटेशन ही साधना नहीं होती है, स्वाध्याय सिर्फ इस चीज का नहीं होता है। कोई स्टूडेंट है उनके लिए भी वो स्वाध्याय बन सकता है, कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए भी अपना साधना स्वाध्याय बन सकता है, कोई गृहिणी है उनके लिए भी अपना स्वाध्याय तो जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसको पुरुषोत्तम के भांति कैसे करें, एक उत्तम से उत्तम सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे करें, यह ज्ञान आज हमें वशिष्ठ मुनि यहाँ पे बताने वाले हैं। और बाकी सारे स्क्रिप्चर्स, जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स है वो भी एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग 101 जो 101 नंबर का जो चैप्टर है वहां पे है, उस चैप्टर को हम लोग आज परिपूर्ण करेंगे और फिर इन सत्रों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आराम से बैठ जाते हैं, अपनी प्रार्थना पहले कर लेते हैं। इन सत्रों का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अगर कोई है तो यह अपनी प्रार्थना है। यह प्रार्थना ही अपने नैया पार लगाती है। सारे योग वाशिष्ठ का जो सार है वह इस प्रार्थना में ही आ जाता है। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, अपनी गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, परिस्थिति जैसे भी हो उसमें एक हल्की सी मुस्कान रखे। परिस्थिति अनुकूल हो तो स्माइल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने आप को स्थिर रख पाए। अपना स्माइल बरकरार रख पाए तो बात बनती है। और ये बात बनाने के लिए करना क्या होता है, कैसे करना होता है, उसका तरीका, उसके पीछे की सोच
यह सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है। जब सब कुछ हमें ही करना है तो क्यों ना उच्चतम श्रेणी का पुरुषोत्तम राम के भांति करें। जिस क्षण जो चीज आया सामने उसको अपना 100% देखे करें। यह सोच, यह विचार, यह सेल्फ इंक्वायरी ही आपको मोक्ष का एहसास अनुभव कराती है और बार 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 यह एहसास होता है कि मैं मुक्त हूं। सांस की गति को देख ले, एक साधारण सांस अंदर लेके छोड़ दे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। जीवन में कुछ भी कार्य जो हो रहे वो पूरी सजगता के साथ करते हैं तो अपना 100% अपने आप लगता है। पूरा अवेयरनेस, पूरी सजगता। ऐसे ही सजगता के साथ ओम का नाद करते हैं। ओम का नाद करने के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले,
गुरु का आवाहन कर ली। आवाहनम् 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 पुनः पुनः सच्चिदानन्द रूपोहम्। शिवो शिवोऽहम् शिवोऽहम् गुरु वंदना कर ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हरेक शब्द हरेक वाणी जो भी क्रियाएं घटित होती है वो भी और जो मन के अंदर विचार आते हैं वो भी अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार यदि आप नए संस्कारों को तैयार होने दे रहे हैं तो और यदि अब भी वह कर्तापन का भाव बाकी है तो मैं करता हूं मैं कर रहा हूं तो वह सारा भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो करने वाला भी वही है। ऐसी प्रार्थना कर ले पूरी सजगता के साथ इसके बारे में अवेयर हो जाए। हर क्षण यह सजगता रहे कि जो भी है उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। प्रेम शांति आनंद आदि अनादि अनंत अज अमर निराकार निर्विषय जो स्वरूप है उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता और आप उससे अलग नहीं है। आप भी तो यही हो शांति प्रेम आनंद सच्चिदानंद स्वरूप आनंद। इसे हर क्षण हर पल महसूस करें। इसी सजगता में रहना ही आत्मज्ञान है यही ब्रह्म ज्ञान है। विश्व का सर्वोच्च ज्ञान यही है अपने आप की अनुभूति करें अपने आप में रहना अपने साथ रहना।
इसका अनुभव यदि हो गया हो तो अपना बचा कुचा जीवन गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना कर लो। और जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो बस है, ऐसा नहीं कि कल था, कल है, आज है, नहीं कल रहेगा, बस है, कालातीत, तो जो है वो अंदर भी है बाहर भी। असलियत में ना कोई अंदर है ना कोई बाहर, एक ही है जो बस है। तो उसका सानिध्य तो थोड़ी देर के लिए महसूस कर ले, या हर क्षण महसूस करे तो फिर बात ही बन गई। और उसी सानिध्य को महसूस करते हुए चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ यदि आपको पूर्णता का एहसास हो रहा है तो अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते स्लोली एंड ग्रेजुअली। यदि आपको लग रहा है तो यू मे ओपन योर आईज। जय गुरुदेव। चलिए अपने सत्र को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ तो नोट भी है। या देयर इज वन वीडियो दैट इज शेयर्ड बाय कपिल जी। जय गुरुदेव कपिल जी। जरूर सत्र में जब अपना शेयरिंग का समय आएगा तो हम लोग इसके बारे में भी जरूर सुनेंगे। आपका जो अनुभव है, आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में भी जरूर आपको भी सुनेंगे, सबको सुनेंगे। वी लिसन टू एवरीबॉडी। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे जब भी हम लोग साधना की बात आती है, सेवा की बात आती है, सत्संग की बात आती है, अपने जीवन के हर क्षण जो क्रियाएं जो घटित होती है, तो साधना माने सुबह उठ के जो आसना कर लिए वह सिर्फ साधना नहीं है, तो वो साधना की बात नहीं हो रही है। हर क्षण हर कण कण से जो आपके अस्तित्व से जो आप अपने आप को व्यक्त करते रहते हैं उसको सर्वोच्चम स्थिति में व्यक्त कैसे करें, यही अपने जीवन का मोक्ष है, यही अपने जीवन का फ्रीडम है कि हम जब चाहे जिस तरह से चाहे अपने को व्यक्त करें। और व्यक्त हो भी तो ऐसा कि किसी के भी जीवन में उससे कोई हर्ट ना हो, किसी के भी जीवन में उससे कोई हो तो जस्ट उनकी जीवन में कुछ परिवर्तन हो। यदि आपके मुख से शब्द निकले तो उस शब्दों से जीवन में परिवर्तन हो, यदि आपके मुख पे स्माइल हो तो उसके आपके सानिध्य से लोगों को शांति का अनुभव हो जाए, आप जहां पे जाए उस स्थान को महत्व प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए कि अरे गुरुदेव ने इसको छुआ था तो यह वस्तु मुझे चाहिए, ऐसी आपके जो महात्मा जहां पे जाते हैं तो उनके अस्तित्व से ही उस भूमि को पावन कर देते हैं, उस पूरे अस्तित्व को पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसा पूर्णता, ओम पूर्णमिदं कहते ही है ना शंकराचार्य का है, तो पूर्ण आपका जीवन पूर्ण हो जाए, ऐसा कुछ आपके मुख से निकले, ऐसा कुछ आपसे कार्य हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको बरकरार रखे, यही साधना है। और यह साधना सिर्फ मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा दो घंटा एक घंटा नहीं करनी, इसको बरकरार हर क्षण ऐसी साधना हो। तो यह साधना का कोई एक पर्टिकुलर स्वरूप नहीं होगा, एक कोई यम नियम आसन प्राणायाम सुदर्शन क्रिया इस ये करना नहीं, ये बात नहीं बोली जा रही है। इसके साथ साथ जो ज्ञान की समाधि, वो हर क्षण यदि वह सजगता वो अवेयरनेस हर क्षण यदि अपने जीवन में प्राप्त करना है तो ऐसे क्षण के लिए आपका क्या रोल होगा। आपका रोल माने आप कर भी नहीं रहे, इस तरह से ही परिस्थिति आ जाएगी कि कर मैं करता भी नहीं हूं,
इस तरह से भी सिचुएशन आ जाएगी, वो सजगता अपने अंदर डाउन हो जाएगी। तो यह सब कुछ करने के लिए किस तरह से हम लोग शुरुआत करें और किस तरह से अपने गंतव्य, या किस तरह से, कोई गंतव्य ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, यह क्षण ही गोल है। यह क्षण ही, इसी क्षण में जो है वो हो रहा है और वो परिपूर्ण है, अपने आप में वो परिपूर्ण है। फिर आपकी नजरों में, दुनिया की नजरों में वो क्या दिखाई देता है वो उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता। हर क्षण यदि वो पूर्णता का एहसास, वो मुक्ति का एहसास, वो मोक्ष का एहसास, वो ज्ञान, वो सजगता यदि आपके जीवन में आ जाए, तो यही तो गुरु चाहते हैं। इसीलिए तो गुरु जो भी उपदेश करते, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जहां कहीं पे भी जाके जो कुछ भी सीखते हैं, उसके जीवन का लक्ष्य जो अपना एक होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ था उसका जो चौथा हिस्सा बोला गया मोक्ष, यही चीज है। तो वो कोई ऐसे कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, अपने कपड़े बदलने का, पहनने का तरीका बदल जाएगा, हाँ आप बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर लेंगे, यह सब कुछ होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई गंदा गंदा रहने की भी आवश्यकता नहीं। आप सब कुछ करके अपनी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे सब कुछ एक बस अकर्ता के रूप में यदि करते रहो, प्रारब्ध के जो संचित कर्म है उस बैंक अकाउंट को खाली करते समय करते रहो, तो यही साधना है, यही स्वाध्याय है और यही अभ्यास है। और यह अभ्यास कब करोगे? कोई सुबह उठ के मॉर्निंग में नहीं, हर क्षण जहां कहीं भी हो, जो कुछ भी आप रोल प्ले कर रहे हो, यह जो संसार का जो बड़ा सा नौटंकी यहाँ पे चल रहा है, इस नौटंकी में आपको जो पात्र मिला है, उस पात्र को इतना 100% आप निभाओ कि यदि आप कुछ हो तो बिल्कुल कहे कि वाह क्या रोल निभाया इसने, क्या रोल बताया, किस तरह से किया, इस तरह की स्थिति आ जाए तो बात बन जाए। तो कैसे, किस तरह से, तो देखते हैं। होता क्या है, अपने जीवन में हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, अलग अलग प्रकार की अपनी जॉब करते हैं, वह करते समय हमको कुछ तो चीजें जो है रोक लेती है, जो हमें उसमें अपना 100% दे नहीं पाते हम लोग, कुछ तो अपने मन में आ जाता है कुछ और बेहतर है, कुछ अच्छा और है, ये जो कर रहा हूं यह वो नहीं है और कुछ बेहतर है यह चीज। तो गुरुदेव कहते कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, जो है उपरति में आ जाओ। उपरति माने क्या? जो कुछ भी इस क्षण में कर रहा हूं, कर रही हूं, वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्तम है। सारी इंप्रूवमेंट को करने की जो आसक्ति मन में लगती पहले उसको छोड़ दो, बोलते आप पूर्ण हो, इस बात को सजगता के साथ आप देख लो, तो फिर आपके हाथ से जो भी कार्य होगा वो अपने आप ही होगा। आपने वो कार्य करना छोड़ दिया, आपने वो कार्य डिविनिटी के हाथ में दे दिया, तो जो भी होगा उत्तम ही होगा, सर्वोत्तम ही होगा। क्यों उसको किसी और के साथ कंपेयर करके उस कार्य को छोटा या बड़ा कर रहे हो ना? जो भी कर रहे हो वो सर्वोत्तम ही है, आप अपना सर्वोत्तम ही दे रहे हो। जब आप कुछ करते नहीं हो, जब वो करता है तो वो सर्वोत्तम ही करता है, उसने जो कुछ भी किया है वो सर्वोत्तम ही है, उत्तम से उत्तम कार्य यहाँ पे किया है। तभी तो ना इतना मिराकुलस ये जो वर्ल्ड है, जो हमारी छोटी सी बुद्धि अभी तक इसके सुई का नोक का एक ऊपर का हिस्सा भी जान नहीं पाई, ऐसे कैसे हो गया भाई? उसने सर्वोत्तम ही किया है, सब कुछ जो चल रहा है वो सर्वोत्तम ही है, सब कुछ सर्वोत्तम ही हो रहा है। तो बोलते उसके पीछे जो दौड़ लगी रहती है, जो दौड़ते रहते हैं, बोलते वो दौड़ रुक जाएगी, बोलते कोई इंप्रूवमेंट नहीं। गुरुदेव कहते हैं यह सर्वोत्तम ज्ञान त्रिवेणी आश्रम में गुरुदेव दे रहे थे, बोलते छोड़ो ना, क्या इंप्रूवमेंट करना है, बोलते प्रश्न पूछते रहते हो इतने सारे, क्यों 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 चलते रहता है, वाय 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 चलते रहता है। बोले थोड़े क्षण के लिए या हर क्षण यदि कर पाओ तो वाव में तो आ जाओ। क्या करोगे, पांच प्रश्न पूछते रहोगे, बुद्धि के स्तर पे उसको जानते रहोगे, थोड़ा सा कहीं और थोड़ा आगे बढ़ के करना है तो थोड़ा नोट्स निकाल लोगे, लिख लोगे, कि क्या होगा, भूल जाते हो, फिर से भूल जाते हो। सरस्वती को वरदान है, पुढ़चे पाठ माग्चे सर सपाट, बोले कितना जानोगे,
कितना जानोगे जाने, जितना ज्यादा जानोगे तो जानोगे कि कुछ नहीं जानते। तो बोले कितना, क्यों क्यों ये वो, क्यों ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे ही मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, ऐसे पूरे दुनिया का दुख आपके लिए बनाया है, सारी दुनिया का बोझ आप ही उठा रहे हो। विष्णु का अवतार आपने धारण कर लिया है, पूरे जग के पालन करता आप ही बन चुके हो। अरे भाई क्यों बोझ उठाते हो इतना, क्यों इतना, कैसे क्यों में फंसते हो? बोलते छोड़ो ये क्यों, शांत हो जाओ। कब होगा, कब मुझे एनलाइटनमेंट मिलेगी, इतने दिन से आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, इतने दिन से 25 साल हो गए मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में, 30 साल हो गए जी, इतनी साधना इतनी सेवा, कब मिलेगी मुक्ति, कब कब मेरे जीवन में यह क्षण आएगा? अरे भाई सब कुछ कब को छोड़ो तो इसी क्षण में तो है सब कुछ, कब नहीं अब में है बात, कब होगा सब कुछ, कब नहीं अब हो रहा है सब कुछ, आप देखो आंखें खोल के, अब ही मुक्त हो, अब अभी मोक्ष में हो, कब नहीं अब। बोले वेन भी छोड़ो अपने जीवन से, कब नहीं अब में आ जाओ। ऐसे कई सारे ज्ञान के मोती गुरुदेव हमें हर क्षण देते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, उनका एहसास, उनका सान्निध्य, वो यहाँ पे अवतरित होना ही अपने लिए सब कुछ है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं वो जो लॉन्गिंग, राधा की लॉन्गिंग रहते हैं, गुरुदेव के सान्निध्य में जाना चाहते हैं, उनके फिजिकल रूप में उनको देखना चाहते हैं, साकार रूप में उनकी पूजा करना चाहते हैं, वो कहाँ पे नहीं है, सब जगह पे तो मैं, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, जहाँ पे तेरे अलावा और कोई है नहीं, ना तू है ना मैं, सब कुछ तो बस है, उसको तो थोड़ा अनुभव कर लो, तो बिल्कुल मुक्ति है, फिर मोक्ष ही है। उस बंधन को छोड़ो, ये बंधन जो आपके जीवन में लग रहा है, ये सारे बंधनों को छोड़ो, तो फिर बोलते बात ही बन गई, फिर तो मुक्ति हो, मोक्ष में हो। तो ये सारा जो सोच है, ये जो सारा विचार है, ये जो सारा प्रज्ञा है, ये जो सारा विवेक है, इसको हर क्षण अनुभव करना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, और इसके लिए करने वाले सारे जो है प्रयत्न, वही साधना है। फिर उसमें सब कुछ हो सकता है, उसमें जाके आप पैसा कमा रहे हो वो भी साधना हो सकती है, ज्ञान अर्जित कर रहे हो वो भी साधना है, योग प्राणायाम मेडिटेशन कर रहे हो वो भी साधना है, गुरु को समर्पण करते हो वो भी साधना है, सेवा करते हो वो भी साधना है, यज्ञ तप्य कुछ तो ऑस्टेरिटी तप कुछ तो करते हो, सब कुछ जो आता है सब कुछ साधना ही है, आपका जीवन ही साधना है। अपने आप को स्वच्छ रखते हो, अपने आप को ब्रश करते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, वो साधना ही तो है, साधना के अलावा, स्वाध्याय के अलावा और कुछ नहीं है। बस उसको उस रूप में देख लेना कि अरे यार ये सब कुछ इसी के लिए चल रहा है, ये सब कुछ क्लींजिंग इसलिए चल रहा है, परिस्थिति भी ऐसी जीवन में जो अनुकूल लग नहीं रही है, प्रतिकूल लग रही है, लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति भी इसीलिए उत्पन्न हो गई है ताकि आप उसमें चमक के निकले। मतलब तो सोना जो होता है उसको चमकाते हैं, हीरा होता है उसको चमकाते हैं, पॉलिश करते हैं तो घिसना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तो यह जो प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है, तो ले सृष्टि में सब कुछ सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम इसलिए हो रहा है कि आप सर्वोत्तम बन जाओ, तो प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आती है तो भी आपके लिए उत्पन्न की गई है ताकि आप चमक जाओ, आप उसमें से ऐसे तैरते हुए ऐसे निकल जाओ जैसे बिल्कुल हवा में उड़ रहे हो। तो हवा में उड़ने की बात आती है तो ऐसे कोई फिजिकल रूप में हवा में उड़ रहा है इस तरह से नहीं, आप जैसे जैसे कृष्णा का एक पैर जमीन पे रहता है फुल्ली ग्राउंडेड पूरा स्थिर, और एक पैर आसमान में रहता है बिल्कुल अलिप्त, पूरा डिस्पैशनेट, पूरा वैराग्य, वैराग्य का सुप्रीम वैराग्य की स्थिति में, डिस्पैशन सब कुछ से डिफरेंट, तो फिर क्या होता है, तो फिर एक पैर ऊपर होता है एक पैर जमीन पे, तो वो तो डांस बनता है, तो फिर ये सारी सृष्टि ये सारा सब कुछ आपके लिए एक जस्ट डांस, एक उत्सव के भांति प्रतीत होता है, उत्सव ही होता है फिर सब कुछ जो भी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करना यही अपने जीवन का उद्देश्य है, यही अपने जीवन का लक्ष्य है, और यही मुक्ति है, यही मोक्ष भी है। तो बोलते इस बात को जानो, इस बात को समझो, इसके लिए सारे संत सारे उपदेश
यही है, यही सार है, यही सब कुछ है। सारे जो इतना प्रयत्न करते हुए दिखते हैं, एक क्षण के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं। पृथ्वी का हर कोई कोना जहाँ पे पहुंच सकते हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे पहुंचना है वसुधैव कुटुंबकम, वहां पे मुझे पहुंचना है। सब तक सब लोग मेरी राह देख रहे हैं, तरस रहे हैं मेरे सानिध्य को, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बोलते इस चीज के लिए। दुनिया में देखो ना, कुछ भी आपके सारे प्रयत्न होते क्यों होते, बोले आनंद की प्राप्ति करनी, शांति की प्राप्ति करनी, प्रेम पाना है। प्रेम नहीं मिलता तो वो भक्ति नहीं मिलती। तो उससे तो इन सारी चीजों को, ये सच्ची कौन नहीं, दुनिया का कौन सा मूर्ख होगा जो इस सबको नहीं चाहेगा। मतलब किसी के भी पास चले जाओ, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के पास भी चले जाओ, तो वो भी बोलेगा मुझे ये सब कुछ चाहिए। कौन नहीं चाहेगा, किसको आनंद नहीं चाहिए, किसे शांति नहीं चाहिए। सब तो चाहते यही है, कोई उसके बारे में सजग हो जाते हैं, कोई अभी भी उसके बारे में सजग नहीं रहते। पता ही नहीं कि ये दुख होता क्यों है, पता नहीं ऐसे मिजरेबल इंसान बन क्यों जाता है। हाँ, यह अटक चुके हैं ना बिल्कुल ऐसे, तो उसकी वजह से यह चीज नहीं समझ में आती। तो ये अपना कर्तव्य बन जाता है कि सब कुछ जो कुछ भी ऐसे जो गुरुदेव ने ये सब कुछ जो हमें दिया है वो जस्ट शेयर विद एवरीबॉडी। तो वही तो करते हैं, उनके तो लाउड स्पीकर बन जाते हैं सब लोग, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो सारा जो निकलता है वो सब कुछ भी उन्हीं का होता है। तो देखते हैं कि अभी हर जो कुछ भी देखते हैं, अच्छे सपने जो पर्सपेक्टिव से जो कार्य करते हैं आज के इस क्षण के बाद, वो किस तरह से करें और ताकि उत्तम हो जाए। सर्वोत्तम तो ऑलरेडी ही है, लेकिन उसके बारे में हम लोग कैसे सजग हो जाए, उसके लिए थोड़ी सी अभी थोड़ी जो होती है वो चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते कि किस तरह से। तो जो पतंजलि यहाँ पे कहते हैं इसके बारे में कि आपका जो जीवन का सब कुछ जो कार्य हो, कुछ भी करते हो, तो कैसे होना चाहिए, तो सूत्र देते हैं। सतो दीर्घ कालम निरंतर सत्कार सेविता, देन इट बिकम्स दृढ़ निश्चय दृढ़ भूमिका। तो कहते हैं कि जीवन में आप जो कुछ भी कार्य करते हो, कुछ भी अपने को एक दृढ़ भूमिका बनानी है, वो पढ़ाई हो, आपका जॉब हो, उसमें आप कोडिंग कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो, उसको परिपूर्णता के पास लेके जाना है, तो बोलते कैसे करो, उसी चीज को ना क्या करो, बार बार करो। आपको आत्मज्ञान में जाना है, आप यू रिमाइंड यू सजग हो जाओ, हर क्षण सजग होते रहो कि मैं एक हूं। तो फिर देखो उसका प्रभाव, देखो कैसे वो अपना रंग दिखाएगा। एक दो चार बुरे शब्द बोल देते हो किसी को, तो ऐसा थैमान वहां पर प्रलय हो जाता है, तांडव करने लगते हैं लोग। तो बोलते क्या, अच्छे विचार, अच्छे जो थॉट्स होते हैं, अच्छे शब्द होते हैं, उसमें पावर नहीं होता, मंत्रों में पावर नहीं है। बोलते जरूर होता है, अच्छी वाणी में, अच्छे शब्दों में, मंत्रों में, आपकी सोच में, आपके ओरा में वो पावर निहित है। बोले क्यों उन शब्दों का चयन करना जिससे दूसरे के जीवन में भूचाल आ जाए, या आप सजगता के साथ उस उनके लिए उस परिस्थिति में उनकी उन्नति के लिए कुछ कर रहे हो, अलग बात है, वो तो जस्ट शो ऑफ होता है। आप उनके लिए कुछ करते हो अंदर से तो शांत होते हो, वो अलग स्थिति है। लेकिन अदरवाइज क्यों क्यों ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग करना है, चलते वो वाणी का तपस, अपने काया वाचा मनसा इसका तपस करो, देखो कि क्या बोल रहे हो, देखो क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, जस्ट बी अवेयर ऐसा हो रहा है, बी अवेयर उसका तपस, ये तप करो, तो फिर ये तप से ऑस्टेरिटी, ये तप से फिर वो कंखरता, वो स्थिरता, वो शांतता, वो प्रेम, वो उदय हो, उदय क्या होगा, वो है, उसके बारे में आप सजग होने लगोगे। तो बोलते ऐसा होने के लिए क्या करो, सतो दीर्घ काल पुनः पुनः अगेन एंड अगेन, वो आसक्ति को पुनः पुनः छोड़ना, वो असंग हम पुनः पुनः होना, अपने आप में पुनः पुनः स्थित होना, वर्तमान में पुनः आना। एक क्षण के बाद कोई वर्तमान पास्ट है नहीं, कालातीत है, एक क्षण बस जो चल रहा है उसमें ही स्थित हो जाना। अपने लिए तो बहुत सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जो कुछ है जिसको एक क्षण में सब कुछ हो रहा है उसमें स्थित हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना। ये बार बार करो इसको, कैसे करो, कब तक करो, कोई लिमिट नहीं होती, जब तक हो तब तक करो। तो जिंदगी भर का काम है, क्षण क्षण हर क्षण क्षण में यह करो, क्या करो, सतो दीर्घ कालम, सतो दीर्घ रिमाइंड, सजग अवेयरता चैतन्य कॉन्शियसनेस में उसमें स्थित रहो, मेरे अलावा और कोई है नहीं, मैं ही हूं।
जो है बस है, ये मैं भी नहीं हूँ बस है, जो हो रहा है बस हो रहा है, इसमें स्थित रहो, इस आत्मज्ञान में हो, अपने आप को जानने की जो प्रक्रिया जो चल रही है, सेल्फ इंक्वायरी चल रही है, उसको बरकरार रखो। कभी गलती से भी इस मूड में मत आ जाना कि मैंने जान लिया सब कुछ, जानने की चीज नहीं, बस अनुभव हो रहा है, बस इट्स हैपनिंग है, जो भी हो रहा है उसका अंश भी अनुभव कर ले तो भी वो आपको आपकी कई सारी जिंदगियां, आपके साथ कई सारी जिंदगियां को मुक्त करने के लिए सक्षम है, अंश का भी अनुभव हो जाए तो उसका अनुभव करना, यह कंटिन्यूअसली हमको करना है जीवन में। तो बोलते कैसे करना है, सतोदीर्घ कालम, आज किया, अभी किया, सुबह किया आधा घंटा, दोपहर को नहीं किया, यहाँ पे किया, उधर जाके फिर से उसमें उलझ गए, बोलते ऐसे नहीं, निरंतर इसको क्या करो, निरंतर करो, विदाउट एनी गैप, सतोदीर्घ कालम निरंतर करते समय कैसे करो, सत्कार से विदा, उसको अपने जीवन में करते समय किसी भी चीज के ऊपर बिना किसी संशय के, उसके प्रति पूरी श्रद्धा से, पूरे सेवा भाव से, पूरे हाथ जोड़ के, अपना पूरा श्रद्धा से, सेवा भाव से, बोलते जो कुछ भी करो वो इस तरह से करो, समर्पण की भावना से हो रहा है, ऐसे देखो, करने वाला मैं नहीं हूँ, कर्ता मैं नहीं हूँ, भोक्ता मैं नहीं हूँ, करने वाला वही है, या फिर महात्यागी, महाकर्ता, महाभोक्ता, वो मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हो रहा है, मुझसे ही सब कुछ हो रहा है, करने वाला भी नहीं, जस्ट बस हो रहा है, इस स्थिति में अपने आप को सदैव बना के रखना, उस समर्पण में रहना। बोलते उस समर्पण भाव से सब कुछ करो, तो सिर्फ साधना नहीं, सिर्फ कोई योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं, सब कुछ जो आप कर रहे हो वो सब कुछ करने के लिए आप मुक्त हो, तभी तो आपको रोल दिया गया, तभी तो आप वो कर रहे हो, वो आप उसके लिए मुक्त होके करो ना, बंधन में रखिए क्यों, छोटा छोटा किसी से मुक्त होके करो, जो भी करना है अपने जीवन में, आप मुक्ति ही हो तो फिर मुक्त होके ही करो, आप तृप्त ही हो तो तृप्त होके ही करो, तो कुछ मिलने के बाद मुक्ति मिलेगी ये बात नहीं है, कुछ करने के बाद तृप्ति मिलेगी ये बात नहीं है, तृप्त होके मुक्त होके करो तो फिर वही है, तो वही सत्य है, वही परमानेंट है, उसी के साथ करो, तो बोलते तब जाके फिर क्या हो जाएगी, ऐसा करते 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 ऐसा स्वाध्याय, ऐसे स्टडी, ऐसे सेल्फ इंक्वायरी, ऐसे सेल्फ स्टडी, ये साधना करते 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 आपकी जीवन का हिस्सा बन जाएगा, वो आप अपने स्वभाव में आ जाओगे, फिर उसके बाद में कुछ करने की आवश्यकता नहीं बनेगी, आपके क्षण से जो होगा वही साधना होगी, अलग से आपको ऐसा समय नहीं निकालना पड़ेगा, हर समय हर क्षण जो भी व्यक्त होगे, आपकी वाणी व्यक्त होगी, आप शांत बैठोगे, आप एक्शन करोगे, आप इन एक्शन में रहोगे, जो कुछ भी चल रहा है ना इस सृष्टि में, वो आपसे ही प्रेरित हो जाएगा, आपकी स्रोत से वो प्रेरणा मिल जाएगी कि यह ऐसा हो, तो दुनिया की कौन सी चीज जो आपकी कदमों में आके नहीं गिरी, ऐसा कौन सा कस्य स्वरूप सुखम न करोति विराग, ऐसा कौन सा सुख जो है आपको वो ये विराग नहीं दे पाएगा, ये वैराग्य जीवन में आ जाएगा, तो इसे दुनिया की कौन सी चीज ने फिर किस बात की आ सकती, जब सब सुख आपकी कदमों में पड़े हुए ऐसे हाथ जोड़ के आपका सान्निध्य के लिए तरसते हैं, तो फिर आपको क्या नहीं होगा, ये सारे दुनिया के भौतिक सुख है तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही, ये ऐसे चार्टर्ड प्लेन आ जाएंगे, ऐसे हेलीकॉप्टर आ जाएंगे, आपके सान्निध्य पाने के लिए लोग तरसेंगे, लोग बुलाएंगे, आ जाओ गुरुदेव, बोलो आप आने के लिए हम क्या करें, तो देखते तो है ना, हो ही रहा है ना ऐसा, हम लोग तो देख रहे हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब किस चीज का सुख नहीं मिलेगा तुम्हें, और ऐसे सुख मिलेगा दुख मिलेगा तो तुम्हारा कोई, यदि तुम्हें मैटर नहीं करता, कोई रिजेक्शन नहीं है किसी के प्रति, कोई अवर्जन नहीं है, यहां से ज्यादा वहां पे जाने के लिए यदि 2 घंटे 1 घंटे में पहुंच सकते हैं तो भाई हम तो संत है, हम तो महात्मा है, हम तो पैदल ही चलेंगे, हम लोग तो प्लेन में नहीं बैठेंगे, हम लोग तो रॉकेट में नहीं बैठेंगे, यह कोई ऐसे ऐसे ऐसा द्वंद्व नहीं रहेगा, जिस क्षण की उस वक्त जो आवश्यकता है, 5 स्टार में रुकना है, चार्टर्ड प्लेन से जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है, जो है उसके लिए अवर्जन नहीं है, किसी के रिजेक्शन नहीं है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, जो आता है निवाला जो आता है उसमें सूखी मोटी रोटी क्यों ना हो या कुछ भी हो, पंच पकवान क्यों ना, कोई द्वंद्व नहीं है,
कुछ फर्क नहीं है, जो है उसको सर्व स्वीकार, एक्सेप्टेंस, पूरी तरह से उसको जीवन में स्वीकार करना, यही साधना है, यही अपनी साधना को। क्या होता है जब बैठते हैं, थोड़ा इधर दर्द होता है, थोड़ा उधर दर्द होता है, थोड़ा ये पेन होता है, अपने लिमिट को थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं उसको स्वीकार करो उसको, बिकॉज वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पे, जो शॉर्ट टर्म पेन मिल रहा है लॉन्ग टर्म में गेन लाएगा, तो उस पेन को भी स्वीकार करो। स्वीकार, जो स्वीकार आ जाता है जीवन में, तो वही तो साधना है। तो इसी साधना को बरकरार रखते हुए हर क्षण में अपने आप को इसी में अवेयरनेस के साथ सब कुछ जब करते हैं, तो बोलते वह अपने आप फिर वो अपने जीवन में दृढ़ भूमिका बन जाती। इस तरह से गुरु पतंजलि हमें इसके बारे में कहते हैं। तो वहां पे भक्ति वाला एलिमेंट कहाँ पे आता है, नारद भक्ति सूत्र का, जो बोलते सब कुछ करते हो तो उस के प्रति जो कृष्ण है, जो कृष्ण विवर के तारीफ जो होते हैं, सबका अट्रैक्शन है, बोलते ज्ञानियों से ज्ञानी, परम ज्ञानी जो लोग होते हैं, बोलते उनके चित्त के जो हिला देता है, उनको भी जो बटर होता है ना, बटर थिप कहते हैं, तो उनके भी इसको जो हर लेता है, ऐसा जो अट्रैक्शन है, ऐसा जो प्रेम है, बोलते उसके प्रति तो फिर तो लॉन्गिंग तो रहेगी, उसके प्रति भक्ति तो मन में आएगी, उनके प्रति डिवोशन तो रहेगा, तो बोलते वो भक्त बन जाना, वो भी अपनी जीवन की एक स्थिति होती है। तो ऐसे बोलते कार्य करते भक्त बन के करो, तो बोलते कि बस उन्हीं का कार्य है, तो प्रार्थना यही करते हैं। यदि भाई आपने बनाया भी है तो स्रोत ही आप हो, तो प्रेरणा भी आप ही से हो, तो हम लोग क्यों अपना बीच में दिमाग लगाए। बस आपका ही कार्य है, आपको ही कराना है, तो आप ही करो फिर, हम लोग तो है उपलब्ध, हमारा तो जीवन ही आपके लिए उपलब्ध है, तो हम लोग तो बस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आपका ही है। इस समर्पण की भावना से करो तो वही भक्ति है। भक्ति करने के लिए कोई बहुत ज्यादा अवडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, हर क्षण समर्पण नो? क्या करते हैं, पूजा का फूल हाथ में लेते हैं, समर्पण करते हैं, पानी लेते हैं, आचमन्यम समर्पयामि, पूजा तो करते हैं, माने क्या पूजा, जो कुछ भी मेरा है, सारा मेरा क्रिया, सारा मेरा अस्तित्व, वही आपका ही है, आपको ही समर्पण, वही तो भक्ति है। तो ये भक्ति करने के लिए कोई अलग से ऐसे टाइम निकालता हो फिर मैं भक्ति करता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कार्य जो कर रहे हो, दिन के कार्य, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो समर्पण है, उसको ढंग से हो जाता है तो भक्ति तो है, वो समर्पण ही तो है। अपना खाना पका रहे हो, रोटी पका रहे हो, वो समर्पण ही तो है, उसको समर्पण करके देखो, भक्ति उसी में है। लेकिन मन क्या कहता है, ये नहीं है, इससे उत्तम कुछ और है, ये तो बोरिंग है, इससे उत्तम तो जाके टेलीविजन देखो, जब चाहे मैं जाके फिल्म देखू, या पे मॉल में जाऊ, जब चाहे जिस चीज को मैं खरीद सकू, लोग उसको समझ रहे, फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम, फिनेंशियल सिक्योरिटी, जब चाहे खरीद सको, जितना पैसा आ जाता है, अतर्मी बन जाता है, ऐसे ऐसे फूक जाते हैं मोटे मोटे, काम नहीं, काम धंधा छोड़ देते, काम नहीं करते, बोलते पैसा आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी देता है, ये एक सिर्फ भ्रम है, एक क्षण में जो होता है वो ना हो जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण है, गुरुदेव भी एक शेयर करते हैं इसके बारे में, बोलते एक वो जो हॉट डॉग, एक जो होते व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में इतना ऐश्वर्य उनके पास होता है, ऐसे ही कुछ होता है, ऐसी घटना घटित हो जाती है, उनको रास्ते पे आना पड़ता है, सब घर चला जाता है, सब कुछ बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, बोलते हॉट डॉग बेचने पड़ते हैं रास्ते पे, बोलते क्या बताए गुरुदेव, किस तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, अपनी इसमें रिलेशनशिप में सिक्योरिटी। बोलते गुरुदेव, बोलते नारद भक्ति सूत्र में, बोलते छोड़ो यह जो सारे जो कुबड़िया लेके रखी है, इन कुबियों को छोड़ो, अपने आप में स्थित, उस भक्ति है, डिविनिटी इज देयर, गुरु तत्व मेरे साथ में, वो सानिध्य में, उनके अलावा और कुछ है नहीं, उस भक्ति में अगर आ जाते हैं तो भी आपके जीवन का हर क्षण आपके लिए साधना ही बन जाती है। उत्तम से उत्तम ही आप करते रहते हो, तो नो डाउट जब आप पद्म साधना करोगे, क्रिया करोगे, उसमें तो अपना 100% लग ही जाएगा, बस सिर्फ उतना ही नहीं, सब कुछ में भक्ति के साथ, उस समर्पण की भावना के साथ करो तो वो भी आ जाता है। तो इस तरह से पतंजलि, गुरुदेव और भक्ति सूत्र इसके बारे में क्या कहता है वो तो हमने देख लिया। अभी वशिष्ठ मुनि यहाँ पे इसके बारे में क्या कहते हैं, उस
योग वशिष्ठ जो है, ये पूरे योग वशिष्ठ का यहाँ पे क्या महत्व है उसको भी हम लोग थोड़ा आज के सत्र के लिए संक्षिप्त रूप में यहाँ पे देख लेते हैं कि देखते कि यहाँ पे क्या आता है। लेट अस सी कि व्हाट इज वशिष्ठ मुनि शेयरिंग अबाउट इट। तो आज का अपना विषय ये है कि साधना अभ्यास जो होता है उसमें योग वशिष्ठ का यहाँ पे महत्व क्या है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे रामा, जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो आत्मज्ञान विचार और विषय का यत्न करते हैं, उसी के ऊपर प्रयत्न करते हैं, बोलते उनका जीवन का लक्ष्य ही अपने आप को आत्मज्ञान में अपने आप में स्थित करना होता है। उसको उनको कुछ तो कैसे सुनने को मिल जाता है, किस तरह से तो एक जो उनकी जीवन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको लग जाता है कि इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो फिर बोलते सब कुछ जो प्रयत्न करते हैं ना, यम नियम साधना सेवा सत्संग योगा प्राणायाम मेडिटेशन अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष श्रम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान सेल्फ इंक्वायरी विचार साधु संगति जो कुछ भी चलता है उनके जीवन में सब कुछ उस मोक्ष की प्राप्ति या उस मोक्ष में है रहे इसके लिए ही सारा यत्न इसके लिए ही सारा प्रयत्न। क्योंकि बुद्धिमान बुद्धिमान माने वाइज, वाइज क्या करेगा, तो वाइज तो फिर वो सर्वोत्तम करने का ही सर्वोत्तम होने के लिए प्रयत्न करेगा। तो उनके उनके सारे यत्न जो होते हैं वो अपने आप उसी डायरेक्शन में जाते, वो और कुछ कर ही नहीं सकते। वो दुनिया के लिए हो सकता है कि निकम में दिखाई दे, लेकिन उनके लिए जो वही यत्न जो करते हैं बोलते वही यत्न ही वो सर्व प्रयत्न ही वो उसी के ऊपर फोकस होता है, उसके अलावा उनके जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं। वो आते ही है सब कुछ करने के लिए, उन्होंने यह जो मनुष्य जो है वो धारण ही किया होता है उसी के लिए। तो बोलते बड़े प्रयत्न से जो सर्वश्रेष्ठ जो अभ्यास होता है वो अभ्यास इस लोक में या परलोक में वो ज्ञान की सिद्धि को जो प्राप्त होता है, ऐसे किसी के मन में ऐसी शंका आती है तो बोलते ऐसी शंकाओं का विचार से अभ्यास से ही उसको निरसन वहां पे करना चाहिए। तो बोलते नित्य अपरोक्ष नित्य प्राप्त जो स्वतः जो वस्तु होती है उसका सिर्फ सुन के वो सिर्फ ऐसे बुद्धि से सुन के उसको करने का प्रयत्न करोगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी कई सारी चीजें हम लोग सुनते हैं, ऐसे कई सारे ज्ञान के मोती अपने माँ बाप ने अपने को जीवन में सुनाते हैं, अपनी माँ अपने को कई बार सुनाते हैं, अपने टीचर्स अपने को कई बार सुनाते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है बोलते ऐसे सिर्फ सुनने से उसके अपने जीवन में आचरण में ना उतारने से वो फिर क्या उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो बोलते उस चीजों को तुम क्या करो, समझ लो ठीक से, उसको समझ के अविद्या जो होती है उसका उपशम होना होगा, ऐसे अविद्या को दूर करने के लिए स्वतः सिद्ध जो वस्तु है उसको पकड़ लेना, ऐसी शुद्ध वस्तु के लिए साधना जो होती है वो जो सावधानती होती है वो कैसे होती है किस तरह से होती है, ऐसा मन में यदि प्रश्न उठता है तो हे रामा आज उसी स्थिति को किस तरह से हम लोग बरकरार रख सकते हैं उसको मैं आज तुम्हें बताता हूँ। तो बोलते ये सरल बुद्धि के रामा, बोलते सरल बुद्धि के बिल्कुल वो राम जो रहते हैं ना वहां पर बैठे होते हैं, प्रश्न भी इतने बिल्कुल इनोसेंट एक बालक की बात थी वहां पे पूछते, होती भी उनकी उम्र 16 साल की है तो पूछते भी है ऐसे बिल्कुल मैं जानता नहीं हूँ कुछ, आप सर्वज्ञानी हो आप आत्मज्ञानी हो, बिल्कुल ऐसे निरागस एक बिल्कुल सरल बुद्धि, कोई अपना बुद्धि नहीं लगाते वहां पे, सरल बुद्धि होके वहां पे वो सब कुछ अपने बर्ताव करते वर्तन करते। तो वशिष्ठ मुनि उस चीज को रिकॉग्नाइज भी करते हैं ना, हर बार उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। देख हे सरल बुद्धि के रामा, यह सिद्ध वस्तु जो होती है उसका उपदेश मैं इतना बार बार इतना पुनः पुनः क्यों करता हूँ और इतना विस्तार से क्यों करता हूँ, उसके बगैर तुम जो बार बार प्रश्न जो बीच बीच में पूछते रहते हो उसी से देखो कि तुम्हारा जो अविद्या होता है उसका जो उपशम होता है, यह क्षण भर के लिए भी होता है ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? तुम्हें पुनः पुनः उस पूर्व स्थिति को अपने आप को लाने के लिए उसके लिए जो अमल जो आप करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए बोलते तुमने देखा ना कि जिस वक्त में वो उच्चार होते हैं जिस तरह से हम लोग इस ज्ञान को डिस्कस करते हैं तो बोलते कितने सारे लोग यहाँ पे किस तरह से तुम्हें अनुभव होता है, वो मुक्ति का वो मोक्ष का अनुभव होता नहीं क्या, बताओ तो जरा मुझे। तो ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हैं ना राम, वो इसको एक्नोलेज करते हैं
और देखो अपने यमुष्टि के सत्र चल रहे हैं, हम गुरुदेव के सानिध्य में होते हैं, उनकी ओरा में होते हैं, जो वो सुप्रीम ज्ञान को हमको देते हैं, जब वो ध्यान कराते हैं, क्या सचमुच में हमें मुक्ति का अनुभव नहीं होता है क्या, उस मोक्ष का अनुभव नहीं होता क्या? तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल वो अंदर से हाँ बिल्कुल यस, वो यस निकलता है, मतलब तो यह अनुभव तो होता ही है, क्षण भर के लिए वो तो लगता है, तो ऐसा अनुभव होने के लिए ऐसे बहुत ज्यादा कुछ आप तपश्चर्या कर लोगे तब जाके अनुभव होगा, ऐसा नहीं है बोले, वो अनुभव बिल्कुल एक क्षण भी नहीं लगता, पलक झपकने के लिए बहुत ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इस अनुभव को करने के लिए, इस मुक्ति के मोक्ष को अनुभव करने के लिए उससे भी कम समय लगता है, उससे भी कम समय। तो बोलते यह अक्षण में वो बिल्कुल क्षण भर भी नहीं उसको लगता है, उसको अमल करने के लिए वो बिल्कुल तुम्हारा उसका जो परिणाम जो होता है, उसका प्रभाव होता है, जो बाकी सारा जो होता है उसको अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, उसका हर क्षण में अभ्यास करने के जगह पे दूसरा कोई और उपाय नहीं है। इस आत्म स्थिति को दृढ़ होने के लिए जो अभ्यास होता है वही आवश्यक होता है, अधिकाधिक अपना समय उसी में हम लोगों को रहना चाहिए। यही हमने देखा ना कि हर क्षण सत दीर्घ कालम उसी स्थिति में अपने आप को बनाए रखे, जो सारी चीजें जो हमने देखी उस स्थिति में बनाए रखे, तो इसका अभ्यास करना, इसके अलावा और कोई यहाँ पे उपाय नहीं है। बोलते फिर तुम किसी भी ग्रंथ में चले जाओ तो बोलते वो ग्रंथों का जो आधार ले लो, उसमें जो विचार अभ्यास वहां पे करते है उसमें किस तरह से करे, और उसका जो फल भी है वो किस तरह से शीघ्र त्वरित प्रबोध हो जाए, उसके लिए ऐसे कोई पूछेगा तो उसके लिए मैं बताता हूँ, अपने हित के लिए जो सारी इच्छाएं जो होती है वो शम दम जो संपन्न अर्थात संयमी और जो श्रद्धाशील जो पुरुष होते हैं वो अपने जीवन से उस आलस्य को, उस कंटला बोरिंग, उस उद्वेग कारक जो चित्ते होती है जिसमें हम लोग अपना व्यर्थ आयुष्य जो है फोकट में गंवाते हैं, ऐसी फालतू गोष्ठी का प्रयत्न पूर्वक तुम पहले त्याग करो। पहली चीज बताते कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे इसमें स्थिति होना है, तो बोले सारी जो चीजें जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर, एक उठा लो पेन उठा लो, बैठ जाओ कि देखो मेरा 24/7 मैं किस तरह से गुजार रहा हूं, क्या यह चीज जो मैं कर रहा हूँ वो रोड मैप बना लो अपना, लिख लो सारा दिनचर्या, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूँ, देखो लिखो, और फिर देखो उसमें इसमें क्या है, क्या आवश्यक है, डिवाइड करो अपना टाइम, इतना समय इसमें बिताना, इतना समय इसमें, ऐसा ना हो जाओ कि 24/7 में से 8 घंटे सो लिए और बचे हुए 16 घंटे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, रुक जाओ, देखो कितना परसेंटेज कहाँ पे किसना, सिर्फ व्यवहार में फंसे, ध्यान करने के लिए समय सिर्फ व्यवहार में फंसे, सिर्फ वाणी में फंसे, देखो क्या हो क्या रहा है, एनालिसिस करो उसका, देखो बोलते देखो, और ऐसे अपने आयुष्य में जो व्यर्थ कमाने वाली चीजें उसके ऊपर क्रॉस लगाओ, उसको रोक दो, रिजेक्शन की बात भी नहीं है, उसको जस्ट रोक दो कि कुछ और समथिंग इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी अपने को व्यक्त करना है, उसके ऊपर अपना फोकस करो। बोलते ऐसी चीजों से जो होता है, कुछ भी करो फिर यथेच्छ भोजन करो, दुस्संगति इत्यादि, बोलते ये सब कुछ का अपने जीवन में त्याग कर जो गुरु उपदेश होता है, जो शास्त्र श्रवण आदि जो सेवा होती है, आदि जो नियम होते हैं, जो महारामायण या योग वशिष्ठ नामक जो ग्रंथ है, बोलते प्रतिदिन इसका विचार करो। एक कभी दिन आपके जीवन में ऐसा ना हो कि आप इसको पढ़े नहीं, आप इसको सुने नहीं, इसके बारे में अपने जीवन में विचार नहीं करा, बोलते इस शास्त्र को प्रतिदिन का विचार करो, यह शास्त्र इहलोक और परलोक या फिर दोनों के लिए हितावह है और पत्य करे, अपने जीवन में इसको उतारो। बोलते हे रामा, यह सर्व हम लोग जो यहाँ पे शब्द का सहाय के आपको सब कुछ बताने का यहाँ पे प्रयत्न करते हैं, और अपने को लगता भी है कि मैं यह कुछ तो इसका समझ में आने लाला है, लेकिन फिर भी इसका विस्मरण हो जाता है, ये इंसान भूल जाता है। तो बोलते ऐसे अंतकरण तक जो उसकी वजह से जो काम क्रोध अन्य संसार की वासनाएं ऐसे उससे संपर्क होता है, इसलिए हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थिर नहीं हो पाते। तो यही हो जाता है कि हम लोग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गुरुदेव को सान्निध्य मत योगिष्ट का सत्र चलता है, उस वक्त तो हमें इतना अच्छा लगता है सब कुछ, फिर जाते बाहर जाते हैं, सिर्फ फिर से उसी में फंस जाते हैं, तो उसी में वो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर फिर से अपने से फंड निकाल के बैठे, वो विष अपना बाहर फेंक निकले वहां पे तैयार हो जाता है। तो बोलिए उसकी वजह से हम लोग इसमें स्थिर नहीं हो पाते,
बोलते जो स्वतः, और ये क्यों होता है ऐसा? तो बोलते ये अर्धवत आधा ज्ञान जो होता है उसकी वजह से होता है ऐसे। बोलते कोई आत्मा है ऐसे मूल में यदि देखा तो उसका वर्णन यहाँ पे कैसे कर सकते, इत्यादि अस्तित्व के विषय में, जो स्वरूप के विषय में अलग अलग जो असंभावना होती है, विपरीत भावना उत्पन्न होकर रह जाती है, ऐसे अनेक प्रकार के दोष यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। कई प्रकार की शंका और दोष यह नष्ट यदि होते नहीं है तब तक तो कोई इंसान स्थिर नहीं हो पाता। तो हमने तो पूरा सत्र देखा था नहीं कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे होता है, उनमें से कुछ ऑब्स्टेकल्स के बारे में वशिष्ठ मुनि बताए थे कि ये सारी बाधाएं, ये सारी माया, यह जो चीजें होती है वो रोक लेती है अपने को अपने आप में स्थित होने के लिए। इस बात को तुम जान लो, इसको समझ लो। बोलते इसीलिए वैयक्तिक जो अपना जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उसका जो हम लोग विचार करते हैं उसका समान अभ्यास जो करते हैं, वैसे अनुभव को तत्व का उपापह जो करते हैं उसको चालना देते रहते हैं, ऐसे ही जो ज्ञान थे उसी से उसको दृढ़ करने के लिए सहायता। तो बोलते यही होता है ना, देखो ना हम लोग यही करते हैं बार बार, उसका रिविजन बार बार, उसका रिपीटेशन। जब उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो कहते 7 टाइम्स आपकी रिविजन हो जानी चाहिए उस चीज की, बार बार उसी को। और वो उस लेवल की रिवीजन किस तरह होती है, तो जो 7th रिवीजन जो होती है, जो एग्जाम के जस्ट 4-5 घंटे पहले आप करते हो, तो 1 घंटे के अंदर पूरा पूरा सिलेबस, पूरा बुक का बुक यदि आप रिवाइज कर पाओ तो बोलते वो 7th रिवीजन में पॉसिबल होता है। तो उस तरह की रिवीजन, उस तरह की आवश्यकता, पूरी तरह से आप जो करते हो तब जाके फिर वो ध्यान होता है, वो दृढ़ हो जाता है आपके जीवन में। बोलते वो प्रयत्न जो तुम करते हो वो अवगढ़ है, दुर्लभ है, ऐसा भी मानोगे और ऐसा देख के तुम अभ्यास को छोड़ दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। बोलते कई जीव सारे लोगों के जीवन में ये सब कुछ होता है, वो योगेश्वर की किताब उठाते पढ़ते चीजें समझ में नहीं आती, बीच में छोड़ देते हैं। बोलते इससे लाभ नहीं होगा। बोलते ये बहुत कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, अवगढ़ है, ऐसे सोच के करोगे तो फिर वो आपके लिए बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, आपके लिए वो बन जाएगा अवगढ़, बन जाएगा। मतलब उसको छोड़ो, ऐसा छोड़ो वो सब कुछ करके, ऐसा करके अपना अभ्यास को छोड़ना मत। डोंट गिव अप। मतलब जो जिस तरह से अर्थ जो इच्छा करता है उसके लिए जो प्रयत्न करता है, ऐसे मरते दम तक उसने अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ता है, उससे कभी भी निवृत्त नहीं होता है। ऐसे जो अर्थ की जो इच्छा होती है, वस्तु की प्राप्ति होती है, बोलते उनको वो चीज जरूर मिल जाती है। बोलते तुम के एक के पीछे हाथ धो के एक तत्व अभ्यास में जब लग जाते हो तो बोलते ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है, वो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती, वो जरूर जरूर आपको मिल जाती है। आप अपना पूरा प्रयत्न करके उसमें लग जाओ तो वो हो जाता है। फिर वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, आपको कुछ करना हो, साधना हो, सेवा हो, सत्संग हो, मुक्ति मोक्ष जो भी हो, आपको जरूर आपको उसका अनुभव प्राप्त उसका हो जाता है। तो इस संसार से जगत संबंध में जो अनात्म शास्त्र की जो मर्यादा है उसको जो पहचान लेता है, उसका जो महत्व सत और शास्त्र का जो अभ्यास करके शांति को प्राप्त कर लेता है, वही सुख से जगत के सारे व्यवहार करते रहते हैं, यही बोलते आत्मज्ञान, यही बात है। इसी को हमको अखंड निर्भेद जो सुख की प्राप्ति करने वाला आता है, यह केवल और केवल यह आत्मज्ञान है। उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से एक वीर योद्धा के भांति जिस तरह से होता है उसमें तुम रणांगण में लड़ते हैं, वैसे पूरे योद्धा के भांति बोलते हो। बोलते जब बोलती वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो बोलते वो जो स्फुरण जो हर हर महादेव कहते हैं, और ऐसे पूरी तरह से अपने आप को वहां पे झोंकते हैं, जो अपने वीर मराठा जिस तरह से लड़े थे, जो अपने क्रांतिकारी अपने जीवन में लड़े थे, जो अहिंसा का मार्ग जो अपने महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपनाया था। बोलते मार्ग आपका कौन सा भी हो उसमें अपना पूरा दे देना। बोलते वीर्य के बात ही, जो वीर्य जो होता है उसलिए वीरता बोलते, वो वीर्य कैसे पूरा अपना जीवन का हर पूरा फोर्स लगा देता है ना अपने आप को बाहर फेंकने के लिए, ताकि वापस नए सृष्टि का वापस निर्माण हो। बोलते वो वीरता के साथ उस वीर्य का क्वालिटी करके उसके साथ यदि आपको आप कुछ जीवन में करते हो, ऐसे लड़ते हो, वैसे अपने प्रयत्न करते हो, तो बोलते भूलोक की जो सारी चीजें होती है, जिस तरह से आप पैसा यह लोक में जय लक्ष्मी और वैभव को प्राप्त होता है, तो वो सारी अपने जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होता है। बोलते या जैसे कोई मरण होता है परलोक की जो स्वर्ग की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वैसे जो सत्शास्त्र जो होती है अभ्यास से बोलते मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। बोलते अपने जीवन में सब कुछ जो आप करते हैं तो उसका इसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो
तो मैंने गुरुदेव को कहते हुए सुना है कि बोलते कैसा प्रयत्न होना चाहिए, तो देख कोई आपको पानी में तैरना नहीं आता, कोई आपको पानी में ढकेल दे, जिस अनुभव करो उस स्थिति को अनुभव करो, कोई आपको पानी में फेंक देता है आप उसमें बिल्कुल आप कैसे बचने का प्रयत्न करोगे, आधा आधा करोगे, थोड़ा बहुत करोगे, 100% करोगे, क्या करोगे? बोलते कोई 200%, 500% और कुछ होगा ना, तो वो भी मैं करूंगा उस वक्त, हो जाएगा मुझसे उस वक्त, कोई नई चीज रहेगी, बोलते हो जाएगा उस वक्त। बोलते अपने घर में जब अपना कुछ शादी वादी होता है, जो कुछ होता है, वहां पे कहाँ से बल आ जाता है, 16 16 घंटा 2 4 घंटा सोते हो, बाकी के सारा घंटा इतना प्रयत्न करते हो, काम करते हो, तो कहाँ से आ जाती है शक्ति उस वक्त करने की? बोलते अपने प्रयत्न को ऐसी इंटेंसिटी जब करते हो तो सब कुछ सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सब कुछ मुक्ति भी आपको प्राप्त होने होते हैं, लगता है ऐसा करते हैं। देखो कैसे कैसे होना चाहिए, अपनी प्रयत्न कैसे होना चाहिए, अपना यत्न कैसे होना चाहिए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी नाक को पकड़ लो, यहाँ पे सांस को रोक लो, डू दिस एज ए एक्सपेरिमेंट, डू दिस, होल्ड योर ब्रेथ, क्या होता है जितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं, पता है ऐसा एक क्षण अपने जीवन में आता है कि छोड़ो सब कुछ, कुछ नहीं पकड़ना है मुझे ना, तो वो क्षण आपको कोई और कुछ करने को बोले तो सुनोगे क्या आप? आपका पूरा पूरा फोर्स, आपका पूरा लक्ष्य वो ब्रीथ इन करने में लग जाएगा। बोलते ऐसे प्रयत्न करो, आपके हर क्षण में स्वाध्याय करते हो, पढ़ाई करते हो, कार्य करते हो, साधना करते हो, योगा प्राणायाम मेडिटेशन यम नियम जो कुछ भी ज्ञान गुरुदेव ने हमें दिया है उसको अपने जीवन आचरण में लाते हो, तो लाने के लिए उसका यत्न प्रयत्न कैसा होना चाहिए? तो बोलते ऐसे कोई मर ही रहा हो, वो मरने के लिए जो बचने के लिए जो प्रयत्न करेगा उसकी इंटेंसिटी कैसे होगी? वो इंटेंसिटी यदि आपकी सांस रोक जाती है 4 1 मिनट के 2 मिनट के लिए, तो वो सांस लेने के लिए क्या तड़प हो क्या थी? उस तड़प को महसूस करो, मतलब इस तड़प के साथ, इसके साथ यदि आप अपने प्रयत्न को लगा देते हो तो बोलते मुक्ति क्या, इस सारा संसार आपके चरणों में आके आपके लिए होगा कि बोलो आपको क्या चाहिए। तो इस तरह से अपने जीवन में आप अभ्यास करो। यह मनरूपी जो प्रवाहिनी जो नदी होती है उसके विवेक और अविवेक के जो दो मार्ग वहां पे बहते रहते हैं, तो बोलते हैं अपने बड़े प्रयत्नों से अपनी मनोवृत्ति जो होती है वो अधोगामी प्रवाह में जो जाने लगती है, निरर्थक चिंतन में इंद्रियों की वृत्ति में जो फंसने लगती है, उसका प्रतिबंध कर जो अपना विवेक जो होता है उसकी तरफ, उस प्रवाह में अपने आप को प्रतीत करो। वो विवेक जहां पे आपको लेके जाता है उसका जोर जो रहता है, उसका जोर जो होता है वो बढ़ाओ, तब जाके आप उसमें स्थिर हो पाओगे। बोलते हे रामा, ये मनो नदी का जो प्रवाह है ये श्रेय की ओर लेने के लिए अध्यात्म शास्त्र में जो विचार है उसी का अनुभव सिद्ध उपाय है। इसके अलावा, विवेक के अलावा उत्तम साधन यहाँ पे अब तक कुछ मिला नहीं है और आगे भी चल के कभी कुछ मिलेगा नहीं। बोलते अपने सारी चीजों को करते समय उस विवेक को, उस सजगता को, उस आत्मस्थिति को बनाए रखने के लिए जो विवेक, जो प्रज्ञा जो उत्पन्न होती है वही आपको इससे नया पार लगाएगा। उसी प्रवाह में आप लग जाओ तो फिर जो कुछ भी होगा वो सर्वोत्तम ही वहां पे होने लगेगा, आपकी साधना अभ्यास जो भी है वो भी वहां पे रहेगा। इस तरह से योग में वशिष्ठ ने प्रभु रामचंद्र जी को समझाते हैं। बोलते ऐसे परम बोध को शास्त्र से विचार करो, तो बोलते स्वतः जो उसका विचार करके जो आत्मबोध है वो अपने आप आपको अनुभव आने लगेगा। जब वो जरा कुछ ऐसे तो वो अपने आप इस संसार की जो सारी जो चीजें वो क्षीण हो जाएगी, इसमें जो सारा जो श्रम है जो दूर करने वाला होता है, हे रामा जो वर और शाप उसका फल मिलने के लिए तो ऐसा थोड़ा वक्त जाने जाने लगता है, लेकिन इस तत्व ज्ञान के फल को प्राप्त करने के लिए कोई वहां पे देरी नहीं। बोलते वो तुरंत आप अपने आप में आओगे, तुरंत तुरंत मुक्ति का अनुभव, तुरंत मोक्ष का अनुभव, मतलब देरी नहीं लगाता है, उसी क्षण मुक्ति का अनुभव।
बिल्कुल तुरंत उसका फल आपको यहाँ पे देता है। बोलते ये संसार की जो बंधमयी महामारी है उनसे इसका उपशम करो। बोलते जिस तरह से जो कल्याण जो पिता होते हैं उसने वहां पे किया नहीं होता, जो माता होती है करती नहीं, अपने जो दानाधिक पुण्य कर्म होते हैं वो भी हमको दे नहीं सकते। तुमका जो कल्याण होता है इस विचार से शास्त्र से उसको ठीक से समझ में लेने से, ये रामा ये संसार बंधे की जो महामारी यहाँ पे होती है, बोलते ये इसको इससे उठाना बड़ा अतिशय कठिन होता है। बोलते ये जल्दी खत्म ही नहीं होती। आत्मज्ञान जब तक वहां पे आता नहीं है तब तक यह ऐसी अविरत यह माया जो है चलती रहती है, चक्राकार तुम्हें ऐसे कठपुतली के भांति यह घुमाती रहती है। अगर बोलते जब तक उसका उपशम और शांति नहीं होता है तो बोलते तब तक यह मोह माया जो है माया है मिथ्या अहम के रूप में यह स्थिर होती रहती है, और उसी की वजह से यह असह्य दुख प्राप्त होते रहता है। इसीलिए शास्त्र का विचार करके उसका सत्वर उच्छेद करो, यही आपको करना है जीवन में। अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है, क्या करना क्या है तो यही है। इससे तुम्हें जो प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करने, जो पुरुषार्थ करना है तो बोलते उसी लिए सारे अपने प्रयत्न लगा दो, उसी का उपशम करने के लिए अपने करो। बोलते ये सर्व विषय जो होते हैं उसका विचार आपने किया नहीं तो यह सर्व जो प्रयत्न है जो तब तक आपको ये सब कुछ बड़ा रमणीय लगता है। बोलते ये इतना अट्रैक्शन होती है, माया इतनी अपने आप की तरफ खींचती है ना अपने चीज को, तो मतलब वो सब कुछ रमता है। वस्तुतः ये शून्य रूप है, इसका सेवन जो करते करते जो तुम इसमें घर में इसके इसमें मन में इसको भर के रखते हो, वो जो शून्याकाश में अनंत संस्कार जो फेरा है उसमें तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में तुम जो फंस चुके हो, बोलते उसमें फंसो मत। बोले तुम्हारे जो दिवस है, जो दिन यहाँ पे सनराइज होता है, जो सनसेट होता है, ये कब होता है, कैसे चला जाता है, इस तरह से सरने वाले जो दिवस है, जो योग योग से जग व्यवहार में आपको अपनी मृत्यु की तरफ खींच रहे, मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। कल आपने देखा होगा कि मैंने संजय जी को यहाँ पे होस्ट बना के यहाँ पे मुझे जाना पड़ा। परसों रात एक्चुअली मेरे चाचा है उनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई थी, वो शिववासी हो गए। 17 जो था 17 को जाके फिर कल दिन का अंत संस्कार जो था वो किया, सब कुछ किया। लेकिन सब कुछ करते समय जो इवनिंग का जो सत्र बीच में हम लोग प्रेजेंट करते थे उसके लिए कोई समय मिले ऐसी कोई वहां पे परिस्थिति नहीं थी। गुरुदेव को समर्पण कर दिया कि जो है आप क्या करो। तो फिर जो उनकी लड़की रहती थी वो दूसरे किसी नेटिव प्लेस से वहां पे आने के लिए निकली तो उनका कार का वहां पे वो फंस गई, उनको आने के लिए 4-5 घंटे का देरी हो गया। उसी क्षण में घर पे आप फिर के लौट के आए, वो आधा घंटा जो भी मिला वो 128 जो सत्र अभी आज देख रहे उसका सत्र को इंग्लिश में रिकॉर्ड करके संगीता जी को इनको सबको रिक्वेस्ट किया कि आप इसको देखो चलाओ। परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई, स्मशान भूमि में हम लोग बैठे थे, 7 बज गया था, 7 बजे वहां पे जूम पे लॉग इन किया, वहां पे बैठ के गोहिल काका ने गुरु पूजा किया, सामने उनकी डेड बॉडी थी वहां पे गुरु पूजा हुआ, वहां पे ओम नमः शिवाय मेडिटेशन किया, उनके लिए प्रार्थना किया उनकी आत्मा के लिए। तो बोलते ऐसी जो स्थिति होती है, योग वशिष्ठ का सत्र जो दोपहर में रिकॉर्ड करता वो संगीता जी ने वहां पे चला दिया। जो कुछ भी होना यदि उनको करना होता है तो बोलते आपकी जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए जो यदि होना होता है तो होके रहता है, वही होता है। बोलते ऐसे मैं कल करूंगा तब करूंगा, 60 साल हो जाएगी रिटायरमेंट हो जाएगा तब करूंगा, वृद्धाश्रम आया तब करूंगा। बोलते वेट मत करो, यह मृत्यु हर क्षण हर दिन राह देख रही है। कब किसी की मृत्यु हो जाए कुछ जीवन में किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। क्यों व्यर्थ अपना जीवन गंवा रहे हो, क्यों वेट कर रहे हो किसी जीवन का। बोलते कि अब भी करो, ये मृत्यु जो होती है बोलती है ये मरनों के द्वार तक तुमको कब पहुंचा देगी, इसका यत किंचित भी भान तुम्हें नहीं रहता। बोलते सचमुच में देखो ये अल्प आयुष्य होता है, मरण काल जो दिख रहा है यहाँ पे उसको बिल्कुल थोड़े दिन ही होते हैं, वो ऐसे ही यह आयुष्य आता है गुजर जाता है। ऐसे कई सारे जन्म जो यहाँ पे ले चुके हो और कई सारे मृत्यु को यहाँ पे प्राप्त कर चुके हो, तो वैसे दिखते बोलते ये सत शास्त्रों का जो अभ्यास करने की योग्यता आती है, चहु बाजियों से जो भय जो आपने वहां पे लगा रहता है, समाधान का जो क्षण वहां पे रहता है कात्मता, तो वो आत्मचिंतन एक ही बात होती है। बोलते इसी में तुम बनाए रखो। बोलते ये मरण काल जो है ये बिल्कुल किसी भी क्षण तुम्हारी द्वार पे खड़ा हो सकता है, और तुम्हें यह प्रसाद जो होता है तब तक जब तक वो आखिरी क्षण ना आ जाए, जब तक हो जाए तब तक तुम अपना पुरुषार्थ जो है अपना पराक्रम है वो तुम दिखाते रहो। अपने पुरुषार्थ तो क्या पे करते रहो,
बिल्कुल चलते रहो इसी क्षण के पर, कुछ क्षण के लिए भी जीवन में कुछ और उलाढाल होती है, कुछ और होता है, ऐसी स्थिति अपने जीवन में प्राप्त ही ना होने दो। इस सारे जो अंग होते हैं उस सारे का विच्छेद करके जो शीतल चंदन जो होता है लेप के भांति, उसको अपने जीवन में उस आत्म तत्व को तुम अपने जीवन में धारण करो। ये रामा जो भ्रम अपने जीवन में, जो मूर्खता, जो अपने जीवन में जिद, जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उससे जो होता है अपने प्राण को पण पे लगा देते होते, जिस तरह से होते धन मान भी जो होते विकत लेते, जो होते सारी चीजों को जीतते रहते, बाहर की व्यर्थ चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद करते, लेकिन जो अजर अमर पद जो स्वतः मुक्ति को उनको प्राप्त कर देते, ऐसे कायम अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए जो किसी बाह्य चीज की सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, तो शास्त्रों के प्रयत्न से वो प्रवृत्त नहीं होता है, तो विवेक श्रवण मनन आदि के जो उपाय होते हैं उसी से अपनी तत्व बुद्धि को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और उसको जो करते नहीं है बोलते, फिर उसके बावजूद भी लोग इसको प्राप्त नहीं करते, बोलते इतना सब इतना सरल है आसन, उसके बावजूद भी लोग इसके पीछे जाते नहीं है, बड़ा आश्चर्य है। वहां पे आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं, तो जग में जो दिखाई देने वाले सुस्वभाव विचारी जो दृढ़ प्रयत्नशील जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की तरफ से जो प्रयत्न होते हैं वो स्वयं सिद्ध सहज प्राप्ति होने वाला आत्मज्ञान होता है, जो ब्रह्म आकाश में आपको जदा सदा सर्वता यहाँ पे अज्ञान के शस्त्र का जो वध करता है, ऐसे समर्थ उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुष के सत्य शास्त्र की उपेक्षा होके स्वतः का ही अज्ञान होता है, वो किस तरह से अपने आप को शत्रु बन जाता है, उसको सहन इंसान करते रहता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कैसे वो आश्चर्य यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि अपनी पूरी अंदर से ना ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं वशिष्ठ मुनि की अहो जन, सब उस दरबार में जो सारे लोग हैं उनका कहते हैं अहो जन, आप बोलते किस तरह से यह मान और यह मोह इसमें आप फंसे जा रहे हो, इस तरह से इसको सबको छोड़कर जो विवेक रूपी जो प्रज्ञा है बोलते उसी को अपने जीवन में पकड़ लो, अपनी यह जो विवेक के रूप से यह मान और मोह, ये सारी जो काम क्रोध लोभ मोह मद मोह मत्सर, इसमें आप फंस चुके हो, इस विषयों में आप फंस चुके हो, इस संसार की माया में आप फंस चुके हो, उससे बाहर निकलने के लिए यह विवेक और यह आत्मज्ञान ही है, इसी को प्राप्त करके आप अपने जीवन में एक तटस्थ हो जाओ, इस तरह से आप यहाँ पे रहो। बोलते तुम इस तरह से बोलते अपने तत्व में जो साक्षात्कार होता है उसी से मोक्ष गति होती है, उसी से ही वह आदि अनादि जो अजर है अमर है उसी रूप को प्राप्त करने के लिए बाकी की सारी की जो संसार की जो संगति है उसमें बह मत जाओ। आत्मबोध से जो बड़ी बड़ी आपत्तियां होती है उसका उच्छेद यहाँ पे हो सकता है, बोलते यह ध्यान में तुम ले लो, बोलते यह मेरी मैं जो बता रहा हूं इसकी तरफ से तुम पूरी तरह से इसकी तरफ ध्यान दो, सारे जो शास्त्र होते सारे शास्त्रों का सार, जो सारे गुरु उपदेश होते सारे गुरु उपदेश का जो सार होता है बोलते यही होता है, अपनी जीव को जीव जो बंधन में यहाँ पे फंस चुका होता दिखा देता है बोलते उससे उसको निकालने के लिए इस तत्व ज्ञान का जो उपदेश है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या आप मेरे प्रयत्न को यहाँ पे देखते नहीं हो, मेरा गला यहाँ पे सूख जाता है, कंठ शोष हो जाता है, इस तरह से होने तब तक मैं यहाँ पे अपनी वाणी का प्रभाव, तब तक अपनी शब्दों का प्रयोग यहाँ पे करते हुए रहता हूँ, क्या मेरे यह सारे प्रयत्न आपको दिखाई नहीं देते, क्या अपने जीवन में इतना दुखों को भोगते हो, क्या इतने सारे क्लेश आपके जीवन में प्राप्त होते रहते, क्या उससे बाहर निकलने की आपको इच्छा नहीं होती, क्या उससे बाहर निकलने का आप प्रयत्न नहीं करते, बोलते कम से कम इस चीज को तो देख लो, इससे से सारे यह सारे क्लेश या सारे दुख से मुक्त होने के लिए तो इस बात को सुन लो, अपने जीवन में उस सुख को आनंद को प्राप्त होने के लिए तो तुम कर लो, क्या क्या इन सारे प्रयत्नों को आपके मेरे ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी भी दया नहीं आती, क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी करुणा कंपैशन दया बुद्धि आपके अंदर यहाँ पे नहीं है, इतना सब कुछ छोटी जो मैं कहते रहता उसकी तरफ आप ध्यान देके यहाँ पे तुम इस बात को सुनो। बोलते यह जो देहेंद्रिय है इन सबको छोड़कर, इस संकुचित भाव को अपने जीवन में छोड़कर, इससे बाहर निकलकर जो ब्रह्म की इच्छा होती है बोलते इस ब्रह्म की इच्छा करो, उस शिव की अपने आप में उस आत्मज्ञान की स्थिति को अनुभव करने की इच्छा करो, क्या आप इतना सिंपल चीज भी अपने जीवन में नहीं कर सकते हो, बोले तुम करते हो यह सब कुछ करने के लिए इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है, इतना क्या करते है? जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, बोलते ऐसे बिल्कुल कब जब जाए तब ज्ञान मिलेगा तब करेंगे उसको संपादन करेंगे, लेकिन क्या तुम्हें इस दिरंगाई के लिए मुझे सचमुच में तुम्हारे ऊपर दया आती है,
मुझे वो कीव आती है कि किस तरह से तुम यहाँ पे फंसे हो, किस तरह से जो विवेक जो होते हैं, जो वशिष्ठ रूपी जो विवेक होता है, वो जाके उस जंगल में चित्ता क्या में हमने देखा कि किस तरह से वो अपने आप को ही हर्ट करते रहता है, अपने को ही मारता रहता है, अपने ही हाथ काटते रहता है, अपने आप को ही बार बार गड्ढे में गिराते रहता है। बोलते वो वशिष्ठ मुनि बोलते मेरे को देख के इसकी दया आती है, इनकी कीव आती है कि क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो, क्यों अपने आप को इतना मरण रूपी आत्मा जो आपत्ति रहते हो सकते, क्यों उसकी चिकित्सा आप नहीं करते, क्यों आप इसमें अपने आप को फंसाए रखते हो, इस मूड जीवन में अपने आप को यहाँ पे फंसाए रखे हो, इसमें तुम मेरे को सचमुच में इसमें व्याकुल निर्भुल निर्बल जो होता है उसमें सच्चे बनने के लिए मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसे जीवन में मुझे यहाँ पे स्थिति मेरे जीवन में उत्पन्न होती है जो देख देख के यहाँ पे बड़ा यहाँ पे दुख होता है कि क्यों आप अपने जीवन में यहाँ पे अपने आप को फंसाए रखते हो। तो बोलते यहाँ पे जो अनुपम जो ग्रंथ है यह योग वाशिष्ठ का ही ग्रंथ है जो आपके जीवन में यह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे इसके जैसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं, इसके जैसा दूसरा कोई ज्ञान है। बोलते तेल की इच्छा रहते हो तो फिर वो तेल की तरफ जाओ, उसको तीस कोई पकड़ोगे तभी ना तभी आपको जो वस्तु जो इच्छित वस्तु प्राप्त होगी। बोलते इधर उधर कुछ करते रहोगे तो फिर उसका क्या उपयोग होगा, आपको वो तेल नहीं मिलेगा। बोलते इसीलिए शास्त्र के जो दीप रहते हैं आत्मज्ञान से जो प्रकाशित होता है उसका अनुभव करने के लिए जो बड़े जो अपने हित जो होते हैं हित चिंतक होते हैं जो गुरु होते हैं जो बोध देते हैं जो प्रिय व्यक्ति चित्त रंजन जो स्वयं सिद्ध नित्य सत्य प्राप्त करते होते उसको आत्मज्ञान जो हमें अलौकिक उसका जो तरीका बताते हैं उससे बोलते हैं उससे कुछ बहुत सारी चीजों से वहां पे जो दुर्बोध होता है उससे उसको प्राप्त नहीं होता, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होता है। बोलते इसी सारी चीजों से वो हमें चीज मिल जाती है, इसके ऊपर कुछ भी तुम अपने जीवन में संशय मत रखो। जो शास्त्र सृष्टि जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य जो आख्यान होता है उसमें उत्तम से उत्तम जो आख्यान होता है अनादि सिद्ध संप्रदाय को छोड़ के दूसरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कल्पित ऐसा कुछ करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। ये बड़ा आख्यान जो थे बड़े बड़े विलक्षण विचित्र होते हैं, जो कोई भी इन शास्त्रों का कौतुक विचार करता है वह परम बोध को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। वो अपने ग्रंथ के बारे में आप बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है यह योग वशिष्ठ का ग्रंथ है। बोलते जो अपना जो सोने का जो खान रहते हैं वहां पे जो वाड़ों के जो कण रहते हैं उसको धो के उसको जो शोधन वो करते हैं उसी में वहां पे फिर सोना मिल जाता है, फिर सारे प्रयत्न से जो सोना वहां पे मिलता है। ऐसे ही शास्त्र का विचार करके जो पंडित होते हैं जो बोध रहते हैं उनको जो अद्यपि जो प्राप्त नहीं होता है बोलते इस तरह से योग वशिष्ठ के ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। बोलते कुछ कुछ लोगों की वो फितरती होती है कि वो जो अपने मत्सर होते हैं जो और शंकाखोर जो लोग रहते हैं वो अननेसेसरी ऐसी चीज में शंका निकालते रहते हैं उसका मत्सर करते रहते हैं। बोलते हे रामा ऐसे कोई शंका निकालता है, ऐसे शास्त्रों के यहाँ पे कोई उसको यहाँ पे उससे उत्पन्न वाला कर्ता को नहीं कैसे प्राप्त होता है, ऐसे इसका मूल देखना ऐसे करते हैं और इस ग्रंथ का अध्ययन क्यों करना जरूरत है ऐसे सोचते हैं। तो रामा तो उसका सरल एक उत्तर है कि ऐसे शास्त्रों का युक्ति युक्त ऐसे हो के साक्षात्कार तब जो इसका परिवर्तन नहीं होता है तब तक इसका कर्ता कौन है, इसका ज्ञान क्या है, ऐसे शास्त्र एक्सेट्रा इसका इत्यादि का विचार योग्य होते हैं ऐसे जो सोचते हैं। बोलते ऐसे सहस्त्रावधि जो युक्ति होती है तर्क शुद्धि सिद्धों ने जो युक्त होते साक्षात अनुभव होते रहते हैं वो अनुभव को लेके शास्त्र कर्ता का ज्ञान नहीं है ऐसा था ऐसे बोलते ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। बोलते जो गुरुदेव उपदेश कर रहे क्या वो अपने जीवन में प्राप्त कर रहे कि नहीं, क्या उनको अनुभव नहीं हो रहा है, क्या ये शास्त्रों में सब कुछ जो लिखा है ऐसा कभी होता है क्या, ऐसे बोलते ऐसे जो शंकाखोर लोग रहते हैं बोलते ऐसे जीवन में इन लोगों को इनको छोड़ो, बोलते इनको अपनी राह पे छोड़ दो, उनको अपने जीवन में चलने देते। ऐसे जो जिज्ञास जो परम हित चिंतक जो आप तो होते बोलते बोलते उन्हीं का सानिध्य करो, उन्हीं के सानिध्य में रह के जो अपनी बुद्धि श्रवण मनन धारणा अभ्यास होते इतना इसको करते रहो, उस उपदेश की जो आज्ञा होती है उसी को तुम अपने जीवन में करते हो। यह सब कुछ मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में, यह भाग्योदय यह करुणा है, जिस जागृत होके जो मैं तुम्हें उपदेश करने के लिए प्रवृत्त होते बोलते ये मैं कोई अलग कर रहा ऐसी बात नहीं, बोलती ये मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव में ही नित्य ही मुझे ऐसे दिनों की ऊपर अपने आप ही दया आ जाती है और इसीलिए मैं निष्ठुर ना होने की वजह से उनके हित होने की जो मेरे अंदर जो तलमल यहाँ पे होती है उसी के लिए निरपेक्ष बुद्धि से दया बुद्धि से ये सारे वचन ये सारी वाणी मेरे मुख से यहाँ पे निकलती रहती है। ऐसे तुम समझो उसी आत्मा को तुम देखो, तुम्हारी पुण्य
पुण्याई जो है तुम्हारे पुण्य कर्म है उसी के लिए आज तुम यहाँ पे उपलब्ध हो, उसी की वजह से आज यह उपदेश तुम्हें यहाँ पे देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बोले तुम ही जो आत्मा हो, तुम ही जो प्रेम परम स्थान हो, उसी के लिए तुम्हारा और मेरा सख्य और संगत यहाँ पे हो चुकी है और इसी की वजह से तुम इस परम गुह्य तत्व ज्ञान यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो उसका कर्ता पावपन का भाव भी नहीं लगते, बोलते ये सब कुछ जो हो रहा है ना ये तुम्हारे उत्थान के लिए यहाँ पे हो रहा है। ये जो उपदेश यहाँ पे मेरी मुख से वाणी निकल रही है बोलती है सिर्फ और सिर्फ तुम सबके लिए हो रहा है। बोलते यह मेरे अंदर भी होता है, बोलते मैं कोई अवडंबर नहीं कर रहा, यह मेरा स्वभाव ही है, ये मेरा नेचर का हिस्सा, मैं ऐसा ही हूँ। मैं बोलते ऐसा ही हूँ मैं इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। बोलते मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही कहता हूँ। ये मनुष्य नवे, गंधर्व नवे, देही नवे, राक्षस नवे, बोलते ये सारे जो सब जो है वो चिन्मात्र है, वो चिन्मात्र की अति निर्मल शुद्ध सात्विक अंशी है। तुम लोगों की पुण्याय की वजह से ही तुम इस आत्म आत्म से जो अभिन्न नहीं है उसका अनुभव, उस मुक्ति का मोक्ष का अनुभव। बोलते ये सब कुछ भी जो हो रहा है उसमें बहुत कुछ मेरा ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं। बोलते आप भी उसी के अंश हो, तभी तो ना आपको अनुभव करता है मेरे जैसे कि क्या औकात कि मैं तुम्हारे जीवन में उसका अनुभव तुम्हें दिला दूं। बोलते आपको आपकी पुण्य नहीं है, आपके अंदर वो चैतन्य स्थित है इसलिए आपको उसका अनुभव होता है, उसमें मेरा बहुत ज्यादा कुछ ऐसे योगदान ऐसा नहीं है। मैं तो बस मेरे स्वभावगत जो चीजें होते हैं वही सिर्फ आपके सामने यहाँ पे व्यक्त करता हूँ, उसके अलावा मेरे चीजों से कोई वचन नहीं होते, मेरे सारे कार्य उसी के प्रति समर्पित होते हैं, तो बस मैं वही करते रहता हूँ। तो बोलते जब तक वो मरण जो काला कुट दिन जो है वो आपके जीवन में जब तक आ नहीं रहा, तब तक ये सारे विषयों से वैराग्य रूप जो सार है उसको संग्रहित करते रहो। ये जो कर्म भूई है यहाँ पे नरक रूपी जो व्याधि की जो है उसकी चिकित्सा करते हो, यहाँ पे जो औषध होते हो उसको नरक यातना को भोग के क्या करोगे, कब तक भोगते रहोगे इसको। तो ऐसे किसी भी चीजों में विषयों में आप यहाँ पे फंस के मत रहो, इसी विषयों को निर्लाभ विलास जो होती है वैराग्य वृत्ति है उसी परम सार को अपने जीवन में प्राप्त कर उस वासना को क्षीण होने तक, उस मूल वासना क्षय का बिल्कुल निराश होने तक अपनी आत्मद्वार को कर, आत्मद्वार के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे आज के इस वाणी को समाप्त करते हैं, अपना चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं भी अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। इस सत्र को आप अपने जीवन में क्या है उसको चलाए, यहाँ पे कपिल जी ने जो वीडियो यहाँ पे शेयर किया अपना शेयरिंग समाप्त हो जाएगा तो उसे भी आप जरूर यहाँ पे चला सकते हैं। ओवर टू यू ऑल, जय गुरुदेव। आज का सत्र बहुत ही बढ़िया हुआ, ये सुनकर मुझे सिर्फ दो लाइन बोलना था, सब आंखें बंद कर ले और मन ही मन ये बोले, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पद, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखो हम सब पर वो गुरु कृपा बरस रही है जैसे फील करें, और ये सब ज्ञान हम अच्छी तरह से ये सब हम कर रहे हैं, इसी में हम स्थित रहे। जय गुरुदेव। और आपके मुख से पूरा पूरा वो गुरु तत्व जो सबको जो देना चाह रहे थे सब सब वही निकल रहा था। वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओवर टू संजय जी, टाइम का भी पता नहीं चला आज। जय गुरुदेव। ओवर टू संजय जी, मैं लीव करती। जय गुरुदेव। आज योग वशिष्ठ का सार फिर से एक बार अनुभव
सोमेश्वर जी के मुख से और जयश्री जी ने दो ही वाक्यों में एक ही श्लोक में का सार बता दिया। योग वशिष्ठ जी इतने आर्त भाव से हमें समझा रहे हैं, पूरे योग वशिष्ठ में हर उदाहरण के साथ हम यहाँ तक उन्होंने समझाया, और आज वो हमें बता रहे हैं उसका सार और उसकी आर्त भावना जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं हम इस आत्म भाव में जाने के लिए क्या करना चाहिए, योग वशिष्ठ बार बार पढ़ो, उस आत्म भाव में रहो, वासना से मुक्त हो जाओ, विषयों से दूर हो जाओ, इस साधना के पथ पर आगे बढ़ो, ये बार बार करना पड़ेगा, ये बात पहले बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो फिर से उस भाव को छोड़कर अपने संसार में साथियों के साथ सबके साथ फिर उस वासना के या उस संसारिक भोगों के साथ लिप्त हो जाते हैं। ये बार बार होने लगता है, फिर से उसके हमें वापस आकर फिर से इस आत्मभाव में बैठना है। इसके लिए हमें बार बार यही करना पड़ेगा। योग वशिष्ठ का वो बोलते हैं ना, हर दिन योग वशिष्ठ अपने जीवन में कुछ ना कुछ उसका स्थापित करना चाहिए, और जब तक ये आत्मभाव तक नहीं जाता हमें मुक्ति की ओर अग्रसर नहीं करता। ये क्रिया एक बार से नहीं होगी, बार बार ये करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई शंका उपस्थित करेगा, उस शंका में भी हमें फंसना नहीं है, उससे वो लोगों में जो भी सशंका दिखाते हैं कि ऐसा क्या है, लेकिन योग वशिष्ठ एक तर्क शुद्ध शास्त्रीय ग्रंथ है, उसके बारे में मन में कोई शंका मत उपस्थित करना। वो शंका अगर करते हैं तो हम इस जो मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं हमें एक और ब्रेक लग जाएगा। और ये करने की चीज है, बार बार करने की चीज है। कब तक हम बोलते हैं नहीं ये उम्र हमारी नहीं है, बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तब कब करेंगे, मृत्यु कब आएगी ये ही पता नहीं है, ये प्राप्त होगी तब तुम क्या कर पाओगे, और उस वक्त जीर्ण शीर्ण शरीर के साथ तुम क्या आत्मभाव में आ सकोगे। इसीलिए वो कल की बात छोड़ दो, आज ये सुनहरा मौका आपके साथ है। और एक बात और खुशी की है, यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये सब गुरु तत्व में जुड़े हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, और थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता होगा लेकिन हर कोई साधना में है। तो साधना में है और उसके साधना क्यों करते हैं, इसका आंसर आज मिल गया है। साधना क्यों करनी है, आत्मभाव में वापस गुरुदेव कितने आर्थ भाव से हमें बोलते हैं साधना करो, क्रिया किया क्या, सपद में साधना किया क्या, ध्यान कर रहे क्या, कितनी बार पूछते हैं हमें। यो वो भी योग वशिष्ठ का ही अवतार हमें समझा रहे हैं। हमें हर कोई जो ज्ञानी है वो हमें यही बता रहा है, साधना करो, साधना के पथ पे आगे बढ़ो, आत्मभाव प्राप्त करो। ये संसार के सुख कितनी बार करेंगे, कितनी बार भोजन किया, कितनी बार स्वाद लिया, कितनी बार संग किया, कितनी बार अनुभव किया, क्या पाया, कहा समाधान है, कहा संतोष है, कुछ भी तो नहीं पाया। इस भाव से छोड़ो, अपने आत्म भाव में आओ, इस सब विकारों से मुक्त हो जाओ, कुछ पड़ा नहीं है इस जीवन में, अभी इस आत्म भाव को जगा कर निर्विकल्प निराकार अवस्था को प्राप्त करने के लिए, समता में अपने आप को रखने के लिए, इस सब दोषों को छोड़ते चलो, सत्संग में रहो, शम दम सत्संग, ये सभी अपने मूल स्वभाव अपने जीवन में स्थापित करो। कब तक भटकते रहोगे, ये सब सभी महापुरुष हमें जो बता रहे उसको तो जानो, उनके आर्त भाव को जानो, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो तो मुक्त हो गए, वो हमारी मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, हमें मुक्त करना चाहते, उनके दिन में कंपैशनेट है, वो हमारे लिए कंपैशनेट है। वो भाव को जानो, उनके साथ हो जाओ, साधना के पथ पर आगे बढ़ो। योग वशिष्ठ कितने सालों से, कितने जन्मों से हमें हमारे और पथ दिखाने तक यहाँ तक लेके आया है। क्यों? क्योंकि हमें मुक्ति की आस हमारे मन में जगनी चाहिए, मुमुक्ष व्यवहार हमारे जीवन में उतरना चाहिए।
अभी इन पुरुषों महापुरुषों के हमारे लिए जो करुणा का भाव है उसको भी स्वीकार करो, अपने पथ पे आगे बढ़ो, लोगों के भी जीवन में ये सुखकारक भाव जगाओ, इस तृष्णा को बुझाओ। तृष्णा में कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, भोग की लालसा कभी खत्म ही नहीं होगी। इस अविरत मार्ग को, इस दृष्ट मार्ग को अब पाकर या इस पर चलकर कुछ भी प्राप्त नहीं है। भोगों से परिणति सिर्फ भोग है, भोगों से निजात पाओ, आत्मभाव में आ जाओ। बस यही योग वशिष्ठ की जो प्रार्थना है हमारे लिए, वो आर्त भाव से हमें पुकार रहे है, बस छोड़ो इस संसार के जो मोह माया, इस संसार के जो भ्रम है, कल्पना विलास में जो तुम बैठे हो उसे त्याग दो। अभी जिज्ञासु बनो, अपने यो जो अनुपम ग्रंथ है योग वशिष्ठ, उसे जानने की कोशिश करो, उसके एक एक कथा का सार अनुभव करो अपने जीवन में। इस एक हितचिंतक जो योग वशिष्ठ है उसके पथ पर आगे बढ़ो, जितना हो सके हर दिन एक पन्ना के होते नहीं अपने जीवन में इसका एक चिंतन वाचन करो, श्रवण करो, चिंतन और मनन करो। निधि ध्यासन भी इसी का हिस्सा है, उसके पथ पर आगे बढ़ो। जितना हो सके अपने ओर से सत्संग तो पाओ, क्योंकि जो भी बुरी संगत है आपको इस भाव से बार बार बाहर लेके जाएगी, वो उससे भी छोड़कर सत्संग क्या है अपने जीवन का वो अपने आप में जान लो। एक भी द्वार जो चार द्वारपाल वशिष्ठ जी ने हमें बताया है, श्याम, संतोष, विचार और सत्संग, इसमें से एक भी द्वारपाल हमने अगर पाया तो हम ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। इस मुक्त का जो हमें बंधन बना के बैठे हैं, वासना का बंधन, विचारों का बंधन, भावनाओं का बंधन, इस अतिरिक्त सांसारिक अभिलाषाओं का बंधन, जो जिसका कभी आखिरी पल ही नहीं, आखिरी टोक ही नहीं, उस तक क्यों बढ़ाए, इस कड़ा से क्यों अपने आप को ढकेल रहे हो, बस यहाँ पे रुक जाओ। योग वशिष्ठ के साथ सिर्फ जीवन में एक भी सत्संग भी अपने लिया तो भी आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे, इस दुष्ट चरित्र को छोड़कर निकल जाओगे। बस यही आज योग वशिष्ठ का सुन रहे थे, एक आर्त भाव जो सुना, हृदय को एक अपने आप में तड़प पाया, अपने आप को संतोष पाया, और अब अपने आप को गुरु के चरणों में निछावर कर दो। गुरु के सिवा इससे तारने वाला आपको कोई नहीं, उनके मार्ग पर आगे बढ़ो, उनको उनकी इच्छा पूरी करो, आप भी तृप्त हो जाओगे। बस इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक्चुअली सिक्योरिटी के ऑप्शन मैंने खोले ही नहीं थे, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा था। अभी सिक्योरिटी खुल चुके हैं। हाँ जी, वो है। हाँ, जय गुरुदेव। आजचं सेशन म्हणजे काय, इंटेन्सिव नॉलेज झालं आज, सगळंच आलं त्यात। पतंजली योग सूत्र आलं, दृक् दृश्य विवेक आलं, नॉलेज गुरुजींच आलं, सगळंच आलं। आणि मला रोजच हे फील होतं की तुम्ही आज जे म्हणालात की प्रार्थना सकाळी करतो तिच्यात त्या दिवसाच्या सेशनचं सार असतं, हे रोज असंच असतं हे मला फील होत होतं आज तुम्ही ते बोललात। पण तसं ते आहे, मला असं वाटतं की तुम्ही जेव्हा सुरू करता तेव्हा ती गुरु शक्ती तुम्हाला टेक ओव्हर करते आणि गुरुजींचे शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर पडतात, असंच मला वाटतं आपलं। तर आणि दुसरं
काय सांगायचं होतं की हा साधना आपण 2 तास 3 तास 4 तास काय करतो ती साधना, पण मला असं वाटतं की खरी साधना ते करून झाल्यावर सुरू होते. ती साधना करताना खूप सोपं असतं, आपण मौनात असतो, आपल्या आपल्यात असतो, ग्रुपमध्ये असतो, मेडिटेशन मध्ये. पण नंतर जेव्हा आपण संसारामध्ये पडतो, जगामधली कामं करतो, तेव्हा ती साधना सुरू होते. आणि आपला समतोल किती कितपत टिकलाय मनाचा ते सारखं बघत राहायला लागतं. आपल्याला आपल्याला आपल्यावरच पहारा ठेवायला लागतो. आपल्या रिॲक्शन्स होत आहेत का, रिस्पॉन्स होत आहेत त्या त्या क्षणाला अनुसरून ते बघायला लागतं. आणि आपल्याला राग आला म्हणजे साधना किंवा अवेअरनेस कमी पडला, आपली लो एनर्जी लो गेली, असं करून ती वाढवायला लागते. आणि मग हळूहळू आपल्याला आपल्या रिॲक्शन व्यक्त होण्यापूर्वीच येतात लक्षात की हो मला राग आलाय आणि असं बोलावं असं वाटतंय. पण मग आपल्याला तो फ्रीडम राहतो की ते तसं बोलायचं, ते व्यक्त करायचं की नाही, हा फ्रीडम राहतो. आणि जरी आपण नाही व्यक्त केलो तरी मला असं वाटतं बऱ्याच मोठ्या जंजाळातून किंवा कर्मपाशातून आपण वाचू शकू असं आपलं मला वाटत. जय गुरुदेव. थँक्यू. जय गुरुदेव नेहाजी. संतोष जी भी अपने साथ जुड़ चुके. संतोष जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैं तो नहीं, लेकिन मम्मी बहुत बोलना चाहती है आपसे. खूप छान बर वाटलं एकदम. मृत्यूच सांगितलं तेही छान वाटलं. तुम्हाला माझ्याकडून सगळ्यांना आशीर्वाद शुभेच्छा खूप खूप. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है जरूर आप अनम्यूट होके बात कर सकते. जय गुरुदेव भैया. भैया मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि साधना करने से जो अंदर अपने अंदर की जो चेतना जागृत होती है वो तो पता नहीं क्या क्या काम कर देती है. अपने को यह नहीं मालूम पड़ता है इस चीज का. मैंने अपने जब से अभी साधना कर रही हूँ तब से मैं ये फील कर रही हूँ कि मतलब मैं किस जगह थी और किस जगह पे पहुंच गई. मतलब मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर पहुंच गई हूँ. साधना का तो साधना तो मैं बोलूंगी कि साधना तो लॉन्ग लाइफ तक करना ही चाहिए. इसको तो कभी नहीं छोड़ क्योंकि जब साधना अब हम करते हैं तब गुरुदेव वाकई में गुरुदेव की प्रेजेंस में मालूम होती है कि गुरुदेव है करा रहे हैं. और जो जैसा कि साधना के साथ साथ मेडिटेशन वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि आदमी जब तक मेडिटेशन आदमी नहीं करता है तब तक उसके अंदर में बहुत सारी विकृतियां आती रहती है. तो विचार भी एकदम स्थिर नहीं रह पाते हैं, मन भी स्थिर नहीं रह पाता है और साथ साथ हमारी जो वाणी है वो भी बहुत कंट्रोल में रहती है. हम किसी से जब बातचीत करते हैं तो उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है और साथ में सेवा भी जब करते हैं तो उसका भी इफेक्ट सामने वाले के ऊपर भी बहुत अच्छा पड़ता है. तो जो गुरुदेव ने हम अपने को दी है साधना सेवा सत्संग, इस चीज को हम अपनी लाइफ में यूज करते जाए तो इसका तो इफेक्ट बहुत पड़ेगा, साथ में हमारी चित्त के ऊपर और सामने वाले के ऊपर भी. तो दोनों का काम बराबर होगा. बस अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ. जय गुरुदेव. जय गुरु कर्णा जी. हाँ तो साधना माने सिर्फ पद्म साधना नहीं. आप यहाँ पे बैठे हो जी, आपकी वाणी से मुख से शब्द निकल रही है, भी साधना है. आप यहाँ से चले जाओगे, ये सत्र को खत्म कर दोगे, कुछ और कार्य करोगे, वो कार्य करते समय भी साधना है. साधना सिर्फ और सिर्फ
योग आसन करते समय या मध्यम साधना के आसन जो करते हैं उसको साधना नहीं कहा। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग होने की वजह से हम लोग उसको साधना रेफर करते हैं, साधना मुख में आता है तो मध्यम साधना अपने लगता है उसके बारे में बात करें। बट यहाँ पे जो साधना बोली गई है वो साधना माने सब कुछ। आपकी जीवन में हर क्षण आप जो जीवन जी रहे हो उस हर क्षण में आपको सजगता में रहना, इसके लिए प्रयत्न करना, ये आपके लिए साधना है। तो उसी में आपको बने रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। मैं भी अपनी वाणी को यहाँ पे रोक लेता हूँ। जय गोविंद।